गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर फर्स्ट, सो लेट स्टार्ट। अवर फर्स्ट चैप्टर इज नंबर। इन प्रीवियस क्लास वी विल डू सम क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस टाइम वन। So now in this class we will do the remaining part of this chapter. So now come to practice time second. Read the abacus and write the number. सबसे पहले अपने क्या करना है, इसके अंदर abacus अपने पास given है और इसके अंदर bits दे रखे हैं, अपने को bits को count करके अपने नीचे digit लिखने हैं। जैसे सबसे पहले ones वाली place में 3 bits हैं, tens वाली place में 2 bits हैं, 100 वाली प्लेस पे 4 बिट्स हैं और 1000 वाली प्लेस पे 3 बिट्स हैं। तो क्या आएगा, 3423। ऐसे इसका बी पार्ट, वंस वाली प्लेस पे 1 है, टेंस वाली प्लेस पे 6 है, 100 वाली प्लेस पे 0 और 1000 वाली प्लेस पे 4, तो कितना आएगा, 4061। ऐसे आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट नंबर नेम्स, राइट नेम्स एंड नंबर्स। अब कईयों में क्या, अपने को नंबर लिखने होंगे, कईयों में नंबर नेम। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट इसमें दे रखा है 2413, तो ये अपने को नंबर दे रखा है बट नंबर नेम अपने लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 2413। कम टू बी पार्ट, बी पार्ट के अंदर दे रखा है 7028, तो नंबर लिखना है तो 7028। सो ऐसे अपने इसके रिमेनिंग पार्ट भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम थ्री। प्रैक्टिस टाइम थ्री के अंदर अपने को कह रहे हैं राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ बोल्ड डिजिट। अब देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इनमें क्या डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू जैसे ए पार्ट अपने को दे रखा है 2414। अब देखिए फेस वैल्यू, अब इसमें जो अपने को हाईलाइट कर रखा है, जैसे 4 को अपने इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, तो फेस वैल्यू इसकी क्या आएगी, 4 ही होगी। बट प्लेस इसका कौन सा आएगा, वंस टेंस हंड्रेड, तो थर्ड नंबर पे आ गया, तो क्या होगा, 100। और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 400। कम टू बी पार्ट, बी पार्ट के अंदर दे रखा है 6403। अब ज़ीरो की प्लेस वैल्यू, मैं सबसे पहले फेस वैल्यू बताइए, ज़ीरो की ज़ीरो। अब प्लेस इसकी कौन सी आएगी, टेंस, और प्लेस वैल्यू 00। नाउ कम टू सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर दे रखा है 5128। अब 8 की अपने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 8 की फेस वैल्यू 8 और प्लेस इसका क्या आएगा, वंस देन प्लेस वैल्यू 8। सो ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट भी करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्लीट द टेबल बाई शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कईयों में शॉर्ट फॉर्म करनी है और कईयों में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ए पार्ट दे रखा है 1805, मतलब 1805, तो इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 1000 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 5। बी पार्ट के अंदर 2413, तो 2000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 3। एंड सी पार्ट के अंदर अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या आएगा, 5634। ऐसे आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट मेंटल मैथ्स दे रखा है, ये भी आप करेंगे। सबसे पहले दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब कह रहे हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, कोई प्लेस वैल्यू बताना है, तो क्या आएगा, 800। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, देन सी पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर नंबर नेम लिखना है, देन फोर्थ के अंदर दे रखा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2080, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म 2080। सो ये सारा वर्क आपने नोटबुक एक लगानी है, मैथ्स की नोटबुक के अंदर भी ये सारा सॉल्व करना है, एज इट इज़ बुक वाला ये प्रैक्टिस
time practice time 1, 2 and 3. So thanks for watching. Thank you.